गुणा की वैदिक गणित विधियां। पहली विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इस विधि में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का उपयोग किया जाता है। सूत्र का अर्थ, ऊर्ध्व का मतलब लंबवत और तिर्यक का मतलब तिरछा। इकतालीस और अड़तीस का गुणनफल ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र के प्रयोग से निकालना है। इस सूत्र की मदद से तीन चरणों में इस गुणनफल को ज्ञात करेंगे। पहले चरण में इकाई के स्थान पर अंकों का ऊर्ध्व गुणनफल निकाला जाएगा। द्वितीय चरण में दोनों अंकों को साथ में लेते हुए तिर्यक गुणा कर उनका योगफल निकाला जाएगा। और तीसरे चरण में दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणनफल निकाला जाएगा। आठ का एक से ऊर्ध्व गुणनफल आठ। यहां तिर्यक गुणनफल के साथ योग निकालना है। बत्तीस धन तीन पैंतीस, और यहां पर चार और तीन का ऊर्ध्व गुणनफल बारह हुआ। अब हर चरण से इकाई के अंक लेकर दहाई के अंक को अगले चरण में हासिल के रूप में लिया जाता है और उसमें जोड़ा जाता है। तो द्वितीय चरण में जो 35 आया है, इसमें पांच इकाई को हम लोग यहां रखेंगे और तीन को अगले चरण में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो हल होगा इस दी गए प्रश्न का, वो होगा 1558।